इसी में एक बात आई नफ्स की, जो आपने कहा कि अपने अंदर के नफ्स को हम इतना बड़ा करते हैं, तो एक भाई का सवाल भी इसी में है कि सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि अपने नफ्स को कैसे हराए। यार नफ्स को हराने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई बॉक्सिंग पंचिंग बैग है और आगे इतना बड़ा बॉक्सर खड़ा है। नफ्स जहां जहां कन्वीनियंसेस चाहता है ना, उल्टा काम। मेरी आपसे लड़ाई होगी आज लाइव के सेशन में ही होगी। अब इसके बाद नफ्स कह रहा है भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैंने क्या कह जाके करना है, चलो यार अगर कोई बात बुरी लगी तो मैं मत। नफ्स छोटा होना शुरू हो, बकी भाई से मेरा मसला हो गया, बकी भाई ने भी कर दी। अब मैं अगले दिन ऑफिस आया, मैंने बकी भाई को पहला सलाम किया, अफशो सलाम पहला किया, नफ्स छोटा हो गया। बाहर गरीब जा रहा है, हैसियत ही कोई नहीं। आपकी जिंदगी में इतने इतने टैलेंट, इतना कुछ करना है आपने लाइफ, आपकी जिंदगी में स्पेस ही नहीं है लोगों के लिए। आपने इतने बड़े मकाम हासिल, कभी पटरी से हटके उसके पास जाके वैसे ही टाइम लगा। नफ्स छोटा हो, नफ्स को वो सारे काम कराएं जो इसे पसंद नहीं, जिसको मेरा लेक्चर सुनते हुए बोरियत हो रही है बिठा के रखे। नफ्स छोटा हो जाए, जिसको जो भी समझ नहीं आ रहा बैठा रहे वहां, किसी को 4 साल का बैचलर समझ नहीं आ रहा बैठा रहे, बुरा कह। क्योंकि नफ्स होता है, नफ्स से हमारा इमोशनल ज्यादा होता है, परसेप्शनल कम। नफ्स से मुतमइन्ना परसेप्शनल ज्यादा होता है, इमोशनल बिल्कुल नहीं। अभी जिंदगी सबकी इमोशनल, इमोशन गए यहाँ नफ्स भी गया यहाँ, इमोशन गए यहाँ नफ्स भी गया यहाँ। आपने करना ही वो है जो आपका नफ्स नहीं चाहता, इमोशन के पीछे नहीं देखना। देखें नफ्स इंसान बन जाएगा, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, आपके काबू में आ जाएगा। आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड नफ्स को कंट्रोल करना, और करने से आता है, कर करके छोटा होता है।